अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सस्य प्रणाली या सस्य क्रम। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। सस्य प्रणाली या सस्य क्रम इसे अंग्रेजी में क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। और क्रॉपिंग सिस्टम का अगर मतलब देखा जाए तो क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है फसलों को उगाने के तरीके। फसलों को जो उगाने के तरीके होते हैं उन्हीं को हम सस्य क्रम या सस्य प्रणाली कहते हैं। और फसल उगाने का जो तरीका होता है ये सभी किसानों का तरीका अलग अलग हो सकता है। किसान के पास उपलब्ध संसाधन, उसके पास जो खेती के लिए उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं, उन आधार पर सस्य क्रम निर्भर करता है। और अलग अलग किसान का फसल उगाने का तरीका अलग अलग होता है, जिसे हम कहते हैं सस्य प्रणाली या सस्य क्रम। इसे अंग्रेजी में हमने क्रॉपिंग सिस्टम कहा। इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारा जो देश के किसान हैं वो तीन प्रकार के जो सस्य क्रम हैं उन्हें अपनाते हैं। जो पहला सस्य क्रम हम देखते हैं वो है एक फसली सस्य क्रम, जिसे हम मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। दूसरा सस्य क्रम है मिश्रित सस्य क्रम, जिसे हम मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। तीसरा सस्य क्रम हम देखते हैं वो है सघन सस्य क्रम, जिसे हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कहते हैं। ये तीन प्रकार के सस्य क्रम हमारे देश के किसान अपनाते हैं। अभी मैं इनको आपको डिटेल से समझाऊंगा। उससे पहले आप एक बात समझ लें कि सघन सस्य क्रम को फिर से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला इसके अंदर आता है बहुफसली सस्य क्रम, जिसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहेंगे। और दूसरा इसके अंदर आता है अंतरा सस्यन या सह फसली सस्य क्रम, जिसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर यहाँ पर अपनाए जाने वाले जो सस्य क्रम हैं वो सस्य क्रम हो गए तीन प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सस्य प्रणाली या सस्य क्रम की। तो ये जो सस्य प्रणाली या सस्य क्रम हम देख रहे हैं, इसे हमने कहा फसलों को उगाने के तरीके। फसल उगाने के लिए हम जो तरीके अपनाते हैं उन तरीकों को ही कहा जाता है सस्य क्रम। हमने कहा हमारे देश के अंदर तीन प्रकार के सस्य क्रम प्रचलित हैं। सबसे पहले वाले सस्य क्रम को हमने कहा एक फसलीय सस्य क्रम। अब नाम से क्लियर दिख रहा होगा आपको, एक फसलीय, एक मोनो। एक फसली सस्य क्रम का मतलब होता है कि जब कोई किसान साल भर में एक खेत में एक ही फसल ले पाता है तो उसे कहा जाएगा एक फसली सस्य क्रम। हम कह रहे हैं किसान एक साल में एक खेत में एक ही फसल ले पा रहा, साल भर में एक ही फसल अगर वो ले पाएगा तो क्या उसे बहुत लाभ प्राप्त होगा? नहीं, क्योंकि अधिक लाभ अगर प्राप्त करना है तो अधिक फसल लेनी होती है। एक फसल लेने में अधिक लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो सस्य क्रम है क्यों अपनाता है किसान, जब लाभ कम हो रहा फिर क्यों अपना रहा? मतलब उस किसान के अपनाने के पीछे उसकी कोई ना कोई, यहाँ पर हम देखें तो क्या होगी, तो उस किसान की कोई ना कोई मजबूरी होती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक फसली सस्य क्रम किसान क्यों अपना रहा है, क्योंकि उस किसान की कोई ना कोई मजबूरी है। अब हम देखते हैं उसकी मजबूरी क्या है। तो मजबूरी यह है कि उस किसान के पास सिंचाई जो है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। उसके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। जब सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वो किसान एक साल में केवल वर्षा आधारित एक ही फसल ले पाएगा। इसी को हमने कहा है एक फसलीय सस्य क्रम। दूसरा सस्य क्रम हमने देखा यह है मिश्रित सस्य क्रम। मिश्रित सस्य क्रम में हम क्या देखते हैं कि किसान एक साथ एक खेत में दो या अधिक फसल बोता है, दो या उससे अधिक फसल किसान बोता है। किसान दो या दो से अधिक फसल बोता है, इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि किसान का जो जोखिम है, या इसे हम बोलते हैं रिस्क, ये कम हो जाता है। जोखिम या रिस्क किसान का कम हो जाता है। क्यों कम हो जाएगा?
ये कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने एक फसल पर निर्भरता नहीं रखी है, वो एक से ज़्यादा फसल ले रहा है। अगर किसी कारणवश एक फसल नष्ट भी हो जाएगी तो उसे दूसरी से कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो जाएगा और इस प्रकार हानि की संभावना उसकी घट जाएगी। तो ऐसे सस्यक्रम को कहा जाता है मिश्रित सस्यक्रम, या इसे अंग्रेजी में मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाएगा। इसका उद्देश्य हमने देखा क्या है, तो जोखिम कम करना, ये इस सस्यक्रम का उद्देश्य हो जाएगा। फिर हम तीसरे सस्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सस्यक्रम का नाम है सघन सस्यक्रम। सघन मतलब घना होता है। तो जब हमारा उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फसलें होती हैं उन फसलों को या तो समय का प्रयोग करते हुए जल्दी जल्दी उगाएंगे, या फिर स्थान का इस्तेमाल करते हुए पास पास या कतारों के बीच में उगाएंगे। उद्देश्य है इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना। इस सस्यक्रम को सघन सस्यक्रम कहा जाएगा। इसके दो प्रकार हैं, पहला है बहुफसली सस्यक्रम और दूसरा है अंतरा सस्यन। तो ये हम इनका डिटेल अब देखना शुरू करेंगे। अभी मैंने आपको केवल ये तीनों ही प्रकार के सस्यक्रम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया कि सस्यक्रम या सस्य प्रणाली का मतलब क्या है। तो सस्यक्रम या सस्य प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब होता है फसलों को उगाने के तरीके। अलग अलग किसान का फसल उगाने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, हर किसान का तरीका अलग अलग है। इस आधार पर हमने सस्यक्रम को तीन भागों में बांट दिया। हमारे देश के किसान तीन प्रकार के सस्यक्रम अपनाते हैं। पहला एक फसली सस्यक्रम है, दूसरा मिश्रित सस्यक्रम है, और तीसरे प्रकार का जो सस्यक्रम है उसे हम कहेंगे सघन सस्यक्रम। सघन सस्यक्रम के दो प्रकार हैं, बहुफसली सस्यक्रम या मल्टीपल क्रॉपिंग, और दूसरा है अंतरा सस्यन या सह फसली सस्यक्रम, या इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। अब हम इन सस्यक्रम के बारे में एक एक से यहाँ बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो सस्यक्रम आता है पहला, वो है एक फसली सस्यक्रम, या इसे हम कहते हैं मोनोक्रॉपिंग, या इसे हम कहेंगे सिंगल क्रॉपिंग। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इसी में हम एक शब्द देखेंगे और वो है मोनोकल्चर। अब जरा हम यहाँ एक एक से बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सस्यक्रम हमारे सामने आया एक फसलीय सस्यक्रम। एक फसलीय सस्यक्रम इसे कहा जा रहा है, और मैंने अभी आपको इसकी परिभाषा बताई थी कि इस सस्यक्रम में एक निश्चित भूभाग पर पूरे वर्ष में मात्र एक ही फसल ली जाती है, तो इस सस्यक्रम को कहा जाएगा एक फसलीय सस्यक्रम। हमने कहा ये सस्यक्रम अपनाना किसान की क्या है, तो ये सस्यक्रम अपनाना किसान की मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि उस बेचारे व्यक्ति के पास सिंचाई के साधन नहीं है, उसके पास सिंचाई के साधन, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो किसान एक वर्ष में एक ही फसल ले पाएगा। ऐसा सस्यक्रम कहाँ अपनाया जाता है, तो हम कह सकते हैं वर्षा आधारित क्षेत्रों में, मतलब जहां पर वर्षा आधारित खेती की जाती है वहां पर इस प्रकार के सस्यक्रम को अपनाया जाता है। कारण इसको अपनाने का मैंने आपको क्लियर कर दिया क्या है, तो इसको अपनाने का कारण है किसान की मजबूरी। किसान मजबूरी में इस सस्यक्रम को अपनाता है। ये बात आपको समझ में आ गई, क्या मजबूरी है, तो उसके पास हमने कहा सिंचाई के साधन नहीं है, कहाँ अपनाया जाएगा, तो वर्षा आधारित क्षेत्रों में इसे अपनाया जाएगा। अब यहां पर एक शब्द आया मोनोकल्चर, एकल कृषि इसे कहा जाता है।
एक बात समझ लेना कि मोनोकल्चर का एक फसली सस्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। फिर हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके नाम मिलते जुलते हैं। जैसे देखो, यहाँ भी मोनो है, यहाँ भी आप देखोगे ये मोनो है, यहाँ भी एक फसल की बात हो रही है और यहाँ भी एक फसल की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इनको एक साथ बात कर रहे हैं। समझे? मोनोकल्चर क्या है? तो मोनोकल्चर का मतलब है एक ही भूभाग में एक ही प्रकार की फसल को क्रमोत्तर रूप से उगाना। क्रमोत्तर रूप से जब एक ही प्रकार की फसल को उगाया जाता है तो उसे कहा जाता है मोनोकल्चर, या उसे हम बोलते हैं एकल कृषि। एक ही फसल को बार बार क्रमोत्तर रूप से उगाया जा रहा है। सीधी भाषा में कहें तो इसका मतलब होता है एक ही फसल के पीछे पड़ जाना। हम एक ही फसल के पीछे पड़ गए, साल में एक से ज्यादा बार उगाएंगे तो भी वही फसल होगी, दूसरे साल उगाएंगे तो भी वही फसल होगी। जैसे हमारे देश में बात करें, जो छत्तीसगढ़ इलाका है, ये लोग धान के पीछे पड़ जाते हैं। खरीफ में धान, रबी में धान, अगले साल भी क्या लगाएंगे? धान। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो सस्यक्रम चलता है वो है गन्ना, गन्ने के बाद आती है गन्ना पेड़ी। मतलब एक साल उनने गन्ना लगाया, गन्ने की फसल की कटाई हो चुकी है, अब उसकी जो जड़ है उससे और फसल ले लेंगे, जिसे कहा जाता है गन्ना पेड़ी। तो साल में एक से अधिक बार ले रहे हैं फसल, लेकिन फसल फिक्स है तो वो कहलाएगा मोनोकल्चर। दूसरा, यहां पर हमने कहा था कि सिंचाई के साधन किसान के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? क्योंकि धान और गन्ना लेने के लिए बहुत पानी चाहिए, मतलब यहां पानी की मजबूरी नहीं है, लेकिन वो किसान बार बार एक ही फसल ले रहा है, क्रमोत्तर रूप से उसी फसल को उगा रहा है, तो इसे कहा जाएगा मोनोकल्चर। तो ये हमने यहां पर पहला सस्यक्रम देखा जिसे हमने कहा एक फसली सस्यक्रम या मोनोक्रॉपिंग। इसके बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अगला सस्यक्रम जो हमारा आएगा वो है मिश्रित सस्यक्रम, मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम यहाँ पर मिश्रित सस्यक्रम के बारे में बात करेंगे। मिश्रित सस्यक्रम में हमने यहाँ पर क्या कहा? तो ये जो मिश्रित सस्यक्रम है, इस सस्यक्रम में हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की, अंग्रेजी में मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा। जब कोई किसान एक खेत में एक ही समय में दो या दो से अधिक फसल लेता है तो इसे कहा जाता है मिश्रित सस्यक्रम। जैसे आप यहां देखोगे कि ये जो खेत है, इस खेत में यहां पर एक फसल ये आपको नजर आ रही है और दूसरी फसल आपको ये नजर आ रही है। अरे नजर आ रही है ना, एक से अधिक फसल वो किसान इस खेत में एक साथ ले रहा है, और जब वो एक साथ एक से अधिक फसल लेता है तो हम उस सस्यक्रम को क्या बोलेंगे? तो हम उस सस्यक्रम को यहां पर कहेंगे कौन सा सस्यक्रम? मिश्रित सस्यक्रम। मिश्रित सस्यक्रम को अपनाने का उद्देश्य क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था, इस सस्यक्रम को अपनाने का उद्देश्य होता है जोखिम या जो रिस्क है कम करना। जोखिम या रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है? जैसे भाई मान लो एक ही फसल हमने ली, ये एक ही फसल ली, किसी कारणवश कीड़े पड़ गए, बीमारी आ गई और ये फसल नष्ट हो गई, फिर क्या करेंगे? पूरी तरह से किसान की आमदनी जा सकती है, लेकिन दूसरी फसल अगर साथ में होगी तो हमें उससे कुछ न कुछ यहाँ पर लाभ प्राप्त हो जाएगा। हम पूरी तरह से जो फसल बर्बाद होने का हमारा जोखिम था, उस जोखिम से बच जाएंगे। तो इस प्रकार हमने कहा जोखिम कम हो गया। इस सस्यक्रम के बारे में हमें सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति का नाम है लाफ्लिट्ज। एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने हमें सबसे पहले इसके बारे में बताया था और उनका नाम है लाफ्लिट्ज। लाफ्लिट्ज ने हमारे को
इसके बारे में बताया था 1928 में, और इसीलिए ला फ्लिट्ज को कहा जाता है मिश्रित सस्यक्रम के पिता, फादर ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। किसको? ला फ्लिट्ज को कहा जाता है। उन्हीं ने हमें ये बात बताई थी कि एक साथ एक खेत में दो या दो से अधिक अगर फसल बो दी जाए तो जोखिम या रिस्क कम हो जाता है, और यही मिश्रित सस्यक्रम कहलाता है। अब अगर हमारे को दो फसलों को अगर एक साथ बोना है तो क्या हम किसी भी फसल को किसी के भी साथ मिलाकर बो देंगे? किसी को भी अगर किसी के साथ मिला दिया तो क्या हमें उतना लाभ प्राप्त हो जाएगा? जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, हमें घर में दो पालतू जानवर रखना है तो क्या कभी भी हम एक कुत्ता और एक बिल्ली पालेंगे? अगर एक कुत्ता एक बिल्ली पाल लिया तो जोखिम घटने की बजाय बढ़ जाएगा, दोनों आपस में दिन रात लड़ेंगे और उनकी इस लड़ाई के कारण लाभ की बजाय हानि हो जाएगी। अगर पालना ही है तो या तो दोनों कुत्ते रखो या दोनों बिल्ली रखो, और उसमें भी अगर एक नर और एक मादा रखेंगे तो दोनों बहुत प्रेम पूर्वक रहेंगे और हमारा जो हानि था रिस्क था वो घट जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमारे को दो या दो से अधिक फसल एक साथ लेनी है तो हम क्या करेंगे, उनको लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे जिसे कहा जाएगा मिश्रित सस्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। कौन सी फसल को किसके साथ मिलाना है ये हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम उसके यहाँ पर उदाहरण देखना शुरू करते हैं कि किसको किसके साथ मिलाना है। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने आती है वो यहाँ पर ये है कि दलहनी फसलों के साथ अदलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि सोयाबीन के साथ मक्का। क्या बोल रहे हैं कि दलहनी फसल अगर ली है तो उसके साथ अदलहनी फसल उगाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि जो दलहनी फसल होती है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करती है दलहनी फसलें, और ये जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दलहनी फसलें करेंगी, इस नाइट्रोजन का उपयोग हम देखेंगे कि अदलहनी फसल कर सकती है और अदलहनी फसल इसका उपयोग करेगी। तो दलहनी फसल के साथ अदलहनी लगाएंगे तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन देने वाला होगा दूसरा नाइट्रोजन लेने वाला होगा, और अगर दोनों अदलहनी लगा दी तो क्या होगा, दोनों मृदा से नाइट्रोजन लेने लेने वाली हो जाएंगी और ऐसे में मृदा की उर्वरा शक्ति घट जाएगी। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर एक दलहनी फसल है तो उसके साथ दूसरी अदलहनी फसल लगा सकते हैं। दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है कि उथली जड़ वाली फसलों के साथ गहरी जड़ वाली फसल बोना चाहिए। जैसे उदाहरण में यहां बोल रहे हैं गेहूं के साथ सरसों वर्गी। अब भाई इसका क्या संबंध है, तो देखो जरा, अगर मान लो हमने दोनों ही फसलें उथली जड़ वाली लगा दी तो क्या होगा, इसकी जड़ें उधर उसकी जड़ें इधर आएंगी। देखो दिक्कत आ रही है, अगर दोनों गहरी जड़ की हैं तो भी समस्या आएगी। इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर एक फसल हमने गहरे जड़ की लगा रखी है तो इसके साथ हम जो दूसरी फसल लगाएंगे वो उथली जड़ की लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि इन फसलों के बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होगी। देखो उथली जड़ वाली ऊपरी सतह से पोषक तत्व नमी ले लेगी, गहरी जड़ वाली निचली सतह से ले लेगी, और दोनों फसलों के बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। जबकि यहां पर अगर आप देखोगे तो जड़ों की गहराई समान होने के कारण प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। पता चला एक दूसरे के सामने से पोषक तत्व ले जा रही है तो दूसरी पहली वाले के सामने से नमी ले जा रही है, तो इसे नहीं लेना चाहिए। अगर हम अलग अलग
गहराई की जड़ वाली फसल बोएंगे तो दोनों सतहों में मृदा की उर्वरता का स्तर समान रहेगा और दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये दोनों सिद्धांत आपको क्लियर हो गए मिश्रित सस्य क्रम के। अब हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तो मिश्रित सस्य क्रम का जो अगला सिद्धांत हमारे सामने है, हम उसकी बात करते हैं। तो क्या सिद्धांत है? मिश्रित सस्य क्रम में अधिक फैलने वाली फसल के साथ सीधी बढ़ने वाली फसल लगाना चाहिए। अधिक फैलने वाली फसल के साथ सीधे बढ़ने वाली फसल लगानी चाहिए। जैसे देखो, हमने क्या किया, मिश्रित सस्य क्रम में दोनों फसलें अधिक फैलने वाली लगा दी। देखो, दोनों फसलें अधिक फैलने वाली हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, इसकी शाखाएं उधर जा रही हैं, उसकी शाखाएं इधर जा रही हैं, पता चला दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रही। फिर इनके लिए स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, हवा के लिए यहां प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। और प्रतियोगिता जब शुरू हो जाती है तो आप देखोगे कि लाभ की बजाय हानि होने लगेगा। अब ऐसे में हमने देखा कि एक फसल अगर फैल कर वृद्धि कर रही है तो हम जो दूसरी फसल लगाएंगे इसके साथ, वो फसल हो जाएगी सीधे बढ़ने वाली। ये अब आप देखोगे कि इन फसलों के बीच आपको कोई प्रतियोगिता नजर नहीं आएगी। यहां पर आप देखेंगे समान हाइट, समान फैलने वाली फसल के साथ प्रतियोगिता हो रही है, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि इनके बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं है, क्योंकि एक फैल रहा है तो दूसरा सीधे यहां पर बढ़ने वाली फसल है। तो यदि पहली फसल फैलने वाली है तो इसके साथ हम जो दूसरी फसल लगाएंगे वो सीधे बढ़ने वाली लगाएंगे, जैसे हमने मूंग के साथ लगा दिया ज्वार या मक्का। अगला सिद्धांत है देर से पकने वाली फसलों के साथ शीघ्र पकने वाली फसल लगाते हैं। देर से पकने वाली फसलों के साथ शीघ्र पकने वाली फसल लगाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा भाई, मिश्रित सस्य क्रम का ये एक नुकसान भी है। हमने फायदा क्या देखा कि जोखिम कम करता है, लेकिन इसका नुकसान यह है कि हमें जो बीज है वो अशुद्ध हो जाता है। बीज अशुद्ध क्यों होता है, क्योंकि दोनों फसल जो हैं एक साथ लगी हुई है, जब हम कटाई करेंगे तो क्या होगा कि एक फसल के बीज दूसरी फसल के साथ मिलने की संभावना है। इस समस्या को कम किया जा सकता है कैसे, तो दोनों जो फसलें हैं इनके कटने का समय अलग अलग होना चाहिए। एक अगर आज कट रही है तो दूसरी फसल 15-20 दिन बाद कटना चाहिए। जैसे गेहूं के साथ हमने मटर लगाया तो गेहूं को हमने देखा कि करीब 3 से 4 माह लग जाएंगे, मटर जो है 2 से 3 माह में ही खेत से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार इनके आपस में बीज मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये हमने इसके ये 4 सिद्धांत यहाँ पर देखे। अब हम आगे बढ़े तो हम अगले सिद्धांत की तरफ चलते हैं। तो आगे जो सिद्धांत हमारे आ रहे हैं, उन सिद्धांतों को समझने से पहले हम एक बात समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 4 जो सिद्धांत हमने पढ़े, उन 4 सिद्धांतों के अनुसार अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई आप तो ऐसा करो कि गेहूं और उसके साथ चना मिलाकर बो दो। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखोगे सारे सिद्धांत बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। गेहूं के साथ चना लगाएंगे, देखो गेहूं अदलहनी है, चना दलहनी है। गेहूं सीधे वृद्धि करता है, चना फैल कर वृद्धि करता है। गेहूं अदलहनी फसल है, चना दलहनी फसल है। गेहूं देर से पकता है,
चना इसकी तुलना में जल्दी पकता है। अभी जो मैंने आपको चारों सिद्धांत बताए थे वो चारों यहाँ फिट बैठ रहे हैं। और अगर ऐसा सोचकर आपने इन दोनों को एक साथ बो दिया, या आपने अपने घर वालों को, पिताजी को खेती अगर करते हैं उनको सजेस्ट कर दिया, तो पहले तो आप पिटोगे और फिर वो पूछेंगे कि कौन टीचर ने आपको ये बात पढ़ाई, उसके पास ले चलो, मुझे भी पिटवा दोगे। इस समस्या से बचने का निदान या उपाय क्या है? तो इसका उपाय या निदान ये है कि हमें यहाँ कुछ बातों का और ध्यान रखना है। केवल ये देख के नहीं मिलाना है कि दलहनी या दलहनी फैलने वाली, सीधे बढ़ने वाली, उथली जड़ गहरी जड़, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि मिश्रित फसलों की जलमांग और खाद उर्वरक संबंधी आवश्यकताएं एक समान होनी चाहिए, जबकि यहाँ मामला पूरा उल्टा है। जैसे जलमांग की बात करें, गेहूं को 5 से 6 सिंचाई की जरूरत है, जबकि चने को चाहिए 1 से 2 सिंचाई। इसका मतलब यह है कि अगर आपने चने को 1 से 2 सिंचाई दी तो चना आने वाला नहीं है, और यदि गेहूं को, सॉरी, चने को 5 से 6 सिंचाई दी तो आप देखोगे चना नहीं आएगा। अगर आपने गेहूं को 1 से 2 सिंचाई दी तो गेहूं भी नहीं आएगा। उसी तरह से उर्वरक देखें तो गेहूं जो है, इसे नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है, जबकि चने को करीब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जरूरत होती है। मतलब चने को 120 केजी नाइट्रोजन दे दिया, चने से सहन होने वाला नहीं है। गेहूं को कुल 20 किलो दिया, इसमें गेहूं आने वाला नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी फसलें लेना है जिनकी जलमांग और खाद संबंधी आवश्यकता एक समान हो। ठीक है, अब इस चक्कर में ऐसा मत कर देना कि सर ने कहा था कि जलमांग और खाद संबंधी आवश्यकता एक समान होना चाहिए, तो हमने क्या किया, उठाया कपास और उसके साथ लगा दिया भिंडी। ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कपास और भिंडी जो है इनका कुल 1 होगा, और अगर कुल 1 हुआ तो क्या होगा कि भाई इनके कीट और इनकी बीमारी ये भी एक जैसी होगी, और यदि कीट और बीमारी एक जैसे हो गए तो पहले कीड़े क्या करेंगे, ये भिंडी को निपटा देंगे, फिर किस पर आ जाएंगे, कपास पे, और कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जलमांग और खाद संबंधी आवश्यकता एक समान हो, जबकि उनके कीट और बीमारी ये अलग अलग होना चाहिए, उनके बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। समझ गए? आखिरी में हम यहां बोलते हैं कि मुख्य फसल तथा गौण फसल का अनुपात 3:1 से 5:1 होना चाहिए। मुख्य फसल कौन सी, जो ज्यादा लाभ देती हो। गौण फसल कौन सी, जिसको हम बीच में लगा रहे हैं। तो मुख्य फसल और गौण फसल का अनुपात 3:1 होना चाहिए। मान लो हमने सोयाबीन प्लस मक्का बोई, तो सोयाबीन मुख्य फसल है तो उसकी 3 से 5 कतार रखेंगे और मक्का की 1 कतार रखेंगे। ये हैं मिश्रित सस्यक्रम के सिद्धांत। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जोखिम कम होगा और आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। समझ में बात आ रही है? तो ये बातें हमारे को ध्यान में रखना है। फिर हम लोग आगे चलें तो आगे आता है मिश्रित सस्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। हम मिश्रित सस्यक्रम के यहाँ प्रकार देखेंगे, तो इसके 3 प्रकार हैं। वो 3 में से पहला प्रकार है मिश्रित फसलें या मिक्स्ड क्रॉप। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो पहला प्रकार आया यहाँ पर मिश्रित फसलें। जैसा कि अभी हमने मिश्रित सस्यक्रम में देखा कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक खेत में बोते, लेकिन हमने उसमें क्या देखा, हमने उसमें देखा कि मुख्य और गौण फसल का अनुपात 3:1 से 5:1 रखा। मतलब
मुख्य फसल को हम तीन लाइन में बो रहे हैं और गौण फसल को एक लाइन में बो रहे हैं। मतलब हमने वहां पर अलग अलग कतार में फसल बोई, लेकिन जब हम फसल बोने के पहले बीजों को बुआई के पूर्व आपस में मिला लेते हैं, तब इसे कहा जाता है मिश्रित फसलें। मिश्रित सस्य क्रम में हमने क्या देखा कि कतारें अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर हमने बीजों को बुआई के पूर्व आपस में मिला लिया। जैसे आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर आपको दो फसलें नजर आ रही है, ये आपको नजर आ रही होगी एक फसल और ये दूसरी फसल, दोनों जो हैं एक ही कतार में एक साथ मिलाकर बोई गई है, तो ये मिश्रित फसल कहलाएगा। और जब कतारें अलग अलग होती हैं तो उसे कहा जाता है मिश्रित सस्य क्रम। बात क्लियर हो गई? पहला जो प्रकार मिश्रित सस्य क्रम का है वो क्लियर हो गया। बुआई के पहले अगर बीजों को आपस में मिला देंगे तो वो कहलाएगा मिश्रित फसलें। अब हम दूसरे इसके प्रकार की तरफ चलते हैं, तो वो आता है रक्षक या सीमांत फसलें। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड या आउटर या बॉर्डर क्रॉप, ठीक है। जैसे यहां पर आप देखोगे तो पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि बुआई के पहले यहां पर एक बात का ध्यान रखा जाता है कि यहां पर हम क्या करते हैं, हमारी जो मुख्य फसल होती है उसे हमने यहां पर खेत के बीचों बीच लगाया। ये मुख्य फसल हो गई। और फिर हमने क्या किया कि इसके जो चारों ओर है हमने दूसरी फसल की कुछ कतारें इसके चारों ओर लगा दी हैं। अब ये लगाने से क्या होगा कि ये हमारी जो है मुख्य फसल की रक्षा करती है, हमारी जो मुख्य फसल है उसकी रक्षा करती है। रक्षा किससे करेगी? कीटों से, बीमारी से और अन्य शत्रुओं से रक्षा करती है। ऐसी फसलों को कहा जाता है रक्षक या सीमांत फसल। जैसे हम कह रहे हैं गन्ने के चारों ओर सनई, जूट, पटसन आदि लगाना, जैसे अगर हम इनको ऑब्लिक में रखें तो ज्यादा बेहतर है। हमने बीच में गन्ना लगा दिया और गन्ने के चारों तरफ जूट या सनई या पटसन लगा दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि बीच में जैसे गन्ना लगा हुआ है तो गन्ने की जो फसल है ये स्वादिष्ट होती है, खाने में मीठी होती है, तो कीड़े और पशु पक्षी सब आकर्षित होते हैं। लेकिन हमने बाहर की तरफ दूसरी फसल लगा दी, अब क्या हुआ, मान लो बाहर से कोई कीट आया, ये बाहर की तरफ से ये कीट आया, तो कीट को आप देखोगे कि गन्ने के पहले ये गन्ना तो ये अंदर लगा हुआ है, ये गन्ना अंदर लगा हुआ है, पहले इसका सामना किससे होगा, तो पहले इसका सामना इससे होगा सनई, जूट आदि से, किसका, कीट का। तो इसे क्या लगेगा कि अंदर गन्ना नहीं है, ये बाहर खाएगा और उसे छोड़कर दूसरे खेत की तरफ उड़ जाएगा। अरे बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से गन्ने की रक्षा हो गई कीटों से, बीमारी से, पशु आदि से। तो क्योंकि ये रक्षा करती है इसलिए इसे रक्षक फसल कहा। इसे हम
अंग्रेजी में आप देखोगे तो इसे कहा जाता है गार्ड क्रॉप, आउटर क्रॉप या बॉर्डर क्रॉप, गार्ड आउटर या बॉर्डर क्रॉप इसे कहा जाता है। ये मिश्रित सस्यक्रम का हमने देखा दूसरा प्रकार हो गया। अब हम आगे चलें तो अगला प्रकार जो है इसका तीसरा और आखिरी प्रकार देखा जाए तो ये आता है वृद्धि कारक या सहायक फसलें, वृद्धि कारक या सहायक फसल इसे हमने कहा अगमेंटिक क्रॉप। नाम से ही आपको दिख रहा होगा वृद्धि कारक मतलब वृद्धि करने वाली। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि वृद्धि कारक फसल वो फसल होती है जिसे हम किसी फसल के साथ मिला दें तो ये उसकी उपज को बढ़ा देती है। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बोल रहे हैं कि वृद्धि कारक जो फसल होती है इस वृद्धि कारक या सहायक फसल का वैसे अच्छा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसका सही एग्जाम्पल देखें तो आता है बरसीम के साथ सरसों। ये इसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, बरसीम के साथ सरसों अगर मिला दिया जाए तो ये इसका एग्जाम्पल कहलाएगा। अब बरसीम के साथ सरसों मिलाने से क्या होगा, तो बरसीम की जो फसल होती है इसकी 3 से 4 बार कटाई की जा सकती है, लेकिन जब हम पहली कटाई करते हैं तो बरसीम एक चारे वाली फसल है, जब पहली बार हम इसकी कटाई करते हैं तो आप देखोगे कि इसका चारे की उपज कम आती है क्योंकि पहली कटाई में बरसीम के पौधे छोटे रहते हैं। तो पहली कटाई में हम देख रहे हैं कि बरसीम से हमें चारा मिल रहा है 10 क्विंटल, लेकिन सेकंड और थर्ड में आप देखोगे तो चारे की उपज हमारे को मिल रही है 20 क्विंटल। तो आप देखोगे कि पहली वाली जो कटाई है बरसीम की उसमें 10 क्विंटल चारे का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने बरसीम जब बोया, ये बरसीम है, इसके बीच में इसके साथ में क्या लगा दिया सरसों, तो अब क्या होगा कि 10 क्विंटल चारा सरसों का हो गया। पहली कटाई का टोटल चारा आप देखोगे तो कितना हो गया 20 क्विंटल। 10 क्विंटल किसका है?